नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं, इन्फोसिस लिमिटेड की बात करते हैं। इन्फोसिस का स्टॉक प्राइस 1470 में और इसका जो 52 वीक हाई था 1953 था 17 जनवरी 2022। तो अगर आप शेयर होल्डर्स हैं तो इन्फोसिस के नतीजे आने वाले हैं, इन्फोसिस के Q1 FY23 के नतीजे आने वाले हैं, कंपनी के द्वारा अपडेट आया है। तो आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हलचल बढ़ेगी इसमें शेयर प्राइस में। और जो अपडेट आया है, 24 जुलाई 2022 को बोर्ड मीटिंग होगी और फाइनेंशियल नतीजों का अनाउंसमेंट होगा। इन्फोसिस लिमिटेड हैज इन्फॉर्म द एक्सचेंज अबाउट बोर्ड मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन 23 and 24 July 2022 टू कंसीडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड June 2022। साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है। तो 24 जुलाई 2022 इम्पोर्टेंट डे रहेगा शेयर होल्डर्स के लिए भी और इन्फोसिस के लिए भी जिनके पास इन्फोसिस लिमिटेड है। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो अपने हाई से गिरकर 1470 में कारोबार कर रहे हैं। 52 वीक हाई था 1953। जनवरी और फरवरी के महीने में स्टॉक ऊपर की तरफ था और मार्च और अप्रैल के बाद इसमें गिरावट बढ़ी है। इसका कारण यह है कि इन्फ्लेशन, ऑयल प्राइसेस का बढ़ना, पूरे ग्लोबल मार्केट में एक तरह से गिरावट, खासतौर से अमेरिकन मार्केट में गिरावट, वहाँ के जो IT स्टॉक्स हैं उनमें भारी गिरावट देखने को मिली थी। और इन्फोसिस का स्टॉक भी 1500 को तोड़कर नीचे की तरफ आया है, 1367 पे आया दोस्तों। और इनका बिजनेस ज़्यादातर डॉलर में होता है और डॉलर का भाव ऊपर की तरफ है, 78 से ऊपर की तरफ चला गया। तो डॉलर का भाव बढ़ गया तो इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आना चाहिए। तो Q1 के नतीजे आने वाले हैं, 24 जुलाई 2022 इम्पोर्टेंट डे रहेगा। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ता है, मुनाफा बढ़ता है, सालाना भी बढ़ता है, तो स्टॉक में एक तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। आईटी सेक्टर के शेयरों में 2022 में दबाव बना हुआ है, 2021 में तेज़ी थी दोस्तों। अब TCS को देख लीजिए, SLTech, विप्रो, जितने भी हैवीवेट्स हैं आईटी सेक्टर में, इनमें सारे गिरावट देखने को मिल रही है, लगभग 20 से 30% उससे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो इन्फोसिस लिमिटेड की बात करते हैं तो 1470 में स्टॉक प्राइस है। आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन इम्पोर्टेंट रहेंगे, नतीजे आने वाले हैं, नतीजे बढ़िया होंगे तो एक तेज़ी की संभावना रह सकती है। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, इन्फोसिस लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, एक साल का चार्ट है। अगर हम एक साल के चार्ट के अनुसार बात करते हैं तो पिछले साल ये 1500 के ऊपर था, 29 जून 2021 को 1563 का भाव था और आज के दिन देखते हैं तो 1486 में है दोस्तों। तो एक तरह से देखिए इसमें जो गिरावट बढ़ी है, 1 अप्रैल 2022 को 1900 में था ये, और सीधे गिर के लगभग 1600 के नीचे आ गया और उसके बाद देखिए सीधे से जो लो बनाया 1367 का। तो कहने का मीन्स है कि अप्रैल के बाद जिन्होंने स्टॉक को लिया है एक तरह से ट्रैप हुए हैं, फंसे हुए हैं ऊपर की तरफ। अभी थोड़ी बहुत यहाँ पे एक तरह से देखिए बाइंग आ रही है और यहाँ पे थोड़ी बहुत एक तरह से बाइंग आई है, स्टॉक ऊपर की तरफ गया है 1486। नतीजों से पहले अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ 1521 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो एक तेज़ी बन सकती है इसमें ऊपर की तरफ, लगभग 1585 और उसके ऊपर भी जा सकता है, लगभग 1600 को क्रॉस करेगा तो 1650 से 1680 तक जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। अच्छी तेज़ी बन सकती है। अगर मार्केट में गिरावट होती है, ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट होती है तो जो लो है इसका 1367 इसके नीचे आ सकता है, बट ये कि अगर नीचे की तरफ आएगा तो ओवरसोल्ड की स्थिति बनी हुई है और इसमें बाइंग आती हुई दिखेगी। अगर स्टॉक गिरता है तो बाइंग आती हुई दिखेगी इन्फोसिस लिमिटेड में। तेजी जो आएगी दोस्तों ऊपर की तरफ, ये स्टॉक जब 1700 के ऊपर क्लोज होगा तब एक तेज़ी आएगी, नहीं तो साइडवेज ये रह सकता है। एक साल का चार्ट है और पिछले साल स्टॉक में तो तेज़ी थी, ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा है, बट अप्रैल के महीने से गिरावट है। तो ये एक साल के चार्ट के अनुसार एनालिसिस है। इन्होंने ऊपर की तरफ लिया है 1500 या फिर 1600 के आसपास या उसके ऊपर लिया है तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए हमारे अनुसार, समय देना चाहिए 3 से 6 महीना या उससे ज़्यादा समय देंगे कि हालात जैसे ही सुधरेंगे तो इन्फोसिस में तेज़ी आने की संभावना रहेगी। अब अप्रैल से पहले देखिए एक तरह से 2000 के ऊपर के टारगेट्स आ रहे थे और अभी स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ है, तो अपने अनुसार देख सकते हैं, जिनके पास समय है तो निवेश के अनुसार देख सकते हैं। और जो ट्रेडिंग के लिए बैठ लेते हैं तो स्टॉप लॉस के द्वारा ही कामकाज करना चाहिए, 1% या 2%, उसी तरह से प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए।
फिलहाल इसके नतीजे आ रहे हैं 24 जुलाई 2022 को, इंपॉर्टेंट डे रहेगा, डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो सकता है और भी अनाउंसमेंट हो सकते हैं, तो इंफोसिस लिमिटेड में बड़ी हलचल रह सकती है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं, शेयर मार्केट से जुड़े रहने का धीरज सिंह के स्टॉक्स को देखने के लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, नए नए वीडियोस देखने के लिए, स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए धन्यवाद।